welcome to mentoring the mentors an institute that accelerates your learning curve my dear educators as we have been talking about nippon national initiative for proficiency in reading with understanding and numeracy right on the last video we discussed Kia what will be the role uh, that will be played by a teacher like in achieving the objectives of nippon फाउंडेशनल लिटरेसी एंडरेसी की रीडिंग सिखानी है बच्चों को अलॉन्ग विदरस्टैंडिंग और बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स के बारे में बात किया वी टॉक्उट की नर्सरी क्लास से लेकर ग्रेड थ्री तक के बच्चों की जो लर्निंग आउटकम्स है उसको हम कैसे अचीव करेंगे और एंड दिसक अबाउट रोल ऑफ पेरेंट्स एंड द कॉम्युनिटी इन अचीविंग द लर्निंग आउटकम्स एज लिस्टेड बाय एनबी ट्वेंटी ट्वेंटी और जो हमारे पास लर्निंग आउटकम्स के मैनुअल है और जो निपुन का जो टारगेट है दैट इज बेसिकली ऑन प्रोफिशियंसी

सक्सेसफुल होगा हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इन अचीविंग फाउंडेशनल लिटरेसी हमारा ऑब्जेक्टिव जो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ओनली इट कैन बी मिशन कैन एम्फिसाइज बाई प्रमोटिंग सेंस ऑफ ओनरशिप एट ऑल द लेवल सबसे पहले हर लेवल पर ओनरशिप होने चाहिए हम स्टूडेंट्स को जो है वो एनकरेज करते हैं टू टेक द ओनरशिप ऑफ देयर लर्निंग वी वॉन्ट टू एनकरेज बी टीचर्स जो है वो ऑनरशिप लें कि दिस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको याद नहीं दिलाना पड़े उनको क्या पढ़ाना है उनका क्या ऑब्जेक्टिव है आज क्लास में ये कराओ वो कराओ दे शुड टेक द ओनरशिप ऑफ देयर वर्क लाइक वाइज द कम्युनिटी द पेरेंट्स दे शुड ऑल्सो टेक द ओनरशिप कि हमारे बच्चे हैं इनको हमें स्कूल में भेजना है एज अप्रोप्रिएट जो इनकी जो क्लास है उसमें हमें इनको एनरोल करवाना है एनरोलमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट राइट एनरोलमेंट सारे बच्चों का होना चाहिए तभी यूनिवर्सलाइजेशन अचीव होगी उसके बाद ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए क्लासेस मिस नहीं होनी चाहिए रेगुलरली क्लासेस अटेंड होनी चाहिए एंड उसके बाद और आगे क्या दे शुड बी अवेयर ऑफ द लर्निंग आउटकम्स ऑल्सो किस एज के बच्चों को कौन सी लर्निंग आउटकम्स जो है वो अचीव वो कर पाए बच्चे उस चीज के लिए उटानी कोईट सो उस चीज के लिए विलउट लाइक प्लान एट रेगुलर फ्रिक्वेंसी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो है वो प्लान करने होंगे

Uh, जो है आप ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एथ्यू सम एजुकेशनल फेयर्स जिसमें कि आप बच्चों की लर्निंग आउटकम्स को पूरा आप uh, जैसे एग्जीबिशन में हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाते हैं साइंस की एग्जीबिशन है मैथ्स की एग्जीबिशन है हम उसके रिलेटेड एक्टिविटीज करके दिखाते हैं तो इस तरीके से रीडिंग न्यूमरेसी लाइक डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के लिए आप या तो सब्जेक्ट वाइज भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कम्युनिटी मेलाज या एक एड्यू खान कार्वल टाइप आप ऑर्गेइज कर सकते हैं जिसमें यू विल एबल टू इन्वाइट द पेरेंट्स यू विल इन्वाइटिंग द कम्युनिटी मेम्बर्स ऑल्सो एंड दे विल भी विटनेस एंड द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस उनकी वर्कशीट्स उनके प्रोजेक्ट्स को ले आउट कर सकते हैं एंड दे कैन यू सी इवन शो केस देअर Learning through various activities and the projects, too, right? And home based learning support to the children that is being provided by the parents. This is how I will be facilitating the learning at home, too. Technology based environment, school may provide, karna chahiye, right? डिफरेंट डिफरेंट मॉडल जो मैंने आपसे पहले भी हैं फॉर कोलेबोरे मल्टी सेंसरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बॉडी सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसिस डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू उनकी टीचिंग लर्निंग जो है उसको फेसिलिटेट करेंगे एंड एवरी हाउस होल्ड कैन बी प्रोवाइडेड विद ईजी टू डू फन बेस्ड एक्टिविटीज एंड वर्क बुक्स एटलीस्ट स्कूल से बच्चों को कुछ एक्टिविटीज कुछ वर्क बुक्स हो, हो right? uh, uh, देखिए हमारे स्कूल में बहुत बार क्या है बारिश होगी बारिश बंद हो वो स्कूल बंद हो गए फॉग आ गया बारिश uh, की वजह से स्कूल बंद हो गए फॉग की वजह से बंद हो गए वेदर ऐसा है तो स्कूल नहीं जा पा रहे पोल्यूशन हो गया है तो स्कूल बंद हो गए तो एक जो कनेक्शन जो है वो टूट जाता है तो उस कनेक्शन को कंटिन्यू करने के लिए एटलीस्ट बच्चों के पास घर पे करने के लिए कोई टास्क होनी चाहिए जिसमें जो तो पेरेंट्स है उसको इजीली इन्वॉल्व कर पाए बच्चों को इन डिफरेंट एक्टिविटीज और उसके अलावा उन एक्टिविटीज को करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस रिकॉर्डेड कॉल्स ऑल्सो प्री रिकॉर्डेड कॉल्स हैं एक तो आपके आपने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है आप उसको भेज सकते हैं यूट्यूब पर रिकॉर्डेड वीडियोज है जैसे कि अभी आप भी देख पा रहे हैं राइट right? तो ऐसे रिकॉर्ड करके बच्चों को उनकी जो एजुकेशन है उसको फेसिलिटेट करने के लिए स्कूल की तरफ से ऐसा इनिशियेटिव टीचर्स की तरफ से ऐसा इनिशियेटिव होना चाहिए कि बच्चों को एंगेज रखा जाए राइट एंड दे शुड बी हेल्पलाइन ऑल्सो कि टीचर्स को कनेक्ट करने के लिए उनके साथ कॉन्टेक्ट uh, करने के लिए जो पेरेंट्स हैं उस हेल्पलाइन नंबर के थ्रू या फोन कॉल या व्हाट्सएप जैसे भी व्हाटएवर द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन दैट विल बी डिसाइडेड बाय द स्कूल उसके थ्रू उसके साथ में आप कम्युनिकेट uh, कर सकते हैं एंड पेरेंट एक्टिविटी चेकलिस्ट लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टीचर एक्टिविटी चेकलिस्ट हमने क्या किया टीचर का प्रिपरेशन बिफोर द क्लास इन द क्लास आउटसाइड द क्लास राइट अब हम बात कर रहे हैं एंगेजमेंट विद द स्कूल पेरेंट को सबसे पहले स्कूल के साथ कैसे एंगेज करना है अपने बच्चे को एनरोल करना है इन एज अप्रोप्रिएट क्लास रेगुलरली अपडेट रहना है थ्रू एसएमएस थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस जो भी स्कूल का मोड ऑफ कम्युनिकेशन है पीटीएम रेगुलरली अटेंड करनी है बहुत बार ऐसे स्कूल में देखा गया है पेरेंट्स पूरी वो हर महीने में पीटीएम होती है अगर दो महीने में भी पीटीएम होती है वो कभी भी एक बार भी मिलने नहीं जाते उनके पास समय नहीं है अपने बच्चों के लिए पीटीएम अटेंड करने के लिए भी नॉट इवन वन ऑफ द पेरेंट्स एक बार तो अटेंड किया जाए नॉट इवन वंस राइट समय नहीं है राइट right? सो so, वो पीटीएम जो है वो अटेंड करने नहीं जाते मे भी समय नहीं है या उनकी कोई और तरह की दिक्कत है कि वो शाये है वो फेस नहीं करना चाहते उनको लगता है कि हम शायद पढ़े लिखे नहीं है और हम चाहे टीचर से बातचीत कैसे करेंगे ये सब कुछ को छोड़कर बच्चों के जो पीटीएम है उसको रेगुलरली अटेंड करना चाहिए कंसल्ट विद एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमिटी से डिस्कस करना चाहिए अपने बच्चों की जो लर्निंग आउटकम है जो उनकी अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में एंड एंगेज ऑन डेडिकेटेड जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसके ऊपर प्रॉपर एंगेज रहना चाहिए जो इंस्ट्रक्शन जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है उसको फॉलो करना चाहिए एंड डिजिटल कंटेंट जो भी स्कूल के द्वारा शेयर किया जाता है उसको फॉलो और इंप्लीमेंट करना चाहिए एंड अपार्ट फ्रॉम इट एप्स लाइक दीक्षा एंड ऑल जो सारी डेवलप की गई हैं फॉर लाइक एनहांसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग उनको यूज करें उसके थ्रू डिफरेंट ई कंटेंट जो प्रोवाइड किया जाता है दैट शुड बी यूज कितने सारे चैनल्स भी हैं देखिए यू गो है पी एम ई विद्या इज विद्यार एनसीआर का जो है uh, वो यूट्यूब चैनल है और डिफरेंट जो आपके जियो के थ्रू या अदर कितने सारे चैनल्स हैं उसके थ्रू भी यू विल बी एबल टू वॉच द वीडियोज एंड यू विल बी एबल टू हेल्प योर चिल्ड्रन टू Uh, complete the curriculum and understand the different topics or the contents of the curriculum. Right. And the next is to undertake reading books, playing games, singing together, reciting rhymes together, narrating stories with a voice modulation and conversing with the children. But converse, games, <laughs> modulation, voice modulation, conversation, and if it is possible, provide them with the

म विथ चिल्ड्रेन आप बाहर से स्कूल से जो है वो आपको वर्कशीट मिले आप उनको करा सकते हैं आपके आप प्रिंटआउट निकाल सकते हैं या आप उनको वैसे ही वर्कशीट पेपर पर ड्रॉ करके कर दे सकते हैं एज पर द रिसोर्स अवेलेबल विद यू शेयर एंड डिस्कस दोग्रेस रिपोर्ट बच्चों की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको ट्रैक करें उसको शेयर करें दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस में इंक्लूड हेल्दी कॉम्पिटिशन लाइक जो बी ए प्रो एक्टिव पेरेंट यू है कि uh, बच्चे कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं उसके लिए यू हैव टू बी फुली अवेयर राइट एंड इफ आई गो हैड विद दैट कम्युनिटी एक्टिविटी चेकलिस्ट राइट कम्युनिटी क्या क्या रोल रहेगा पेरेंट का रोल हमने बात किया नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी एक्टिविटी चेकलिस्ट ऑल्सो स्कूल Uh, के साथ में मिलकर स्कूल रेडीनेस मेला और मे बी एड्यू खान उसको ऑर्गेनाइज करना उसमें पार्टिसिपेट करना एंड डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट प्रोग्राम्स परफॉर्मेंसेस प्रोजेक्ट्स जो है बच्चे उसमें डिस्प्ले कर पाए ऐसी एक्जिबिशंस जो है वो ऑर्गेनाइज करवाना रीडिंग एक्टिविटी एट अ पब्लिक प्लेस वो जो चौपाल होती है जहाँ पर बैठकर एक साथ वो सिर्फ वो पेड़ के नीचे बैठकर पत्ते खेलने के लिए नहीं होती वहां पर अगर आप सीनियर सिटीजन हो आपके पास इतना लर्निंग एक्सपीरियंस है यू हैव लर्न टॉड इतनी नॉलेज तो उसको आप यूज करें ताकि बच्चों का जो है वो कुछ भला हो सके बी प्राटक उनके लिए कुछ आप अपना योगदान करें राइट एंड राइटिंग बच्चों के लिए कुछ बाहर कम्युनिटी में कुछ वॉल मैगजीन सॉर्ट ऑफ कुछ तो चीज़ें होनी चाहिए कि बच्चे उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें और वहीं के जो आ, बड़े बुजुर्ग हैं जो एजुकेटेड हैं उनको उसमें इन्वॉल्व किया जाए कि वो उनकी एडिटिंग करके उनको एक अच्छे से प्रेजेंटेबल फॉर्म में कर सकें या आपके बड़े बच्चे हैं उनको भी उसमें एनग्रोस किया जा सके कि वो छोटे बच्चों की हेल्प कर पाए उनकी उनको सो दैट राइटिंग स्किल्स कैन बी फोस्टर्ड रीडिंग के लिए उनको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो जगह पर जाकर अपना रीड करें अपने बड़ों को स्टोरीज पढ़ के सुनाए ठीक है लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी से बुक्स इश्यू करा कर उनको दी जाए वो उनको कहानियां जो पढ़ नहीं सकते uh, हैं हम, हम, कि 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 हम किस तरीके से सोसाइटी में अपना योगदान दे रहे हैं अलग अलग स्टोरीज पढ़ के सुना रहे हैं राइट सो दैट रीडिंग प्रोग्राम्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड मैथ्स और क्विज कॉम्पिटिशन फिजिकली और वर्चुअली राइट डिफरेंट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करे जाए नुमरेसी स्किल को एनहस करने के लिए क्या करेंगे मैथ्स के कॉम्पिटिशन करेंगे वो फिजिकली इन पर्सन भी हो सकते हैं वो ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म भी हो सकते हैं बात करते हैं लाइब्रेरी होना चाहिए डिफरेंट एक्टिविटीज उसमें ऑर्गेनाइज करनी चाहिए उसके लिए पेरेंट वॉलंटियर प्रोग्राम होना चाहिए पेरेंट्सिपेट लाइक जो पढ़े लिखे हैं अपने रूटीन में से क्या महीने में एक दिन नहीं निकाल सकते क्या सबकी अगर टर्न आए तो एवरीबडी बिलबी एबल

Uh, साथ में उनके साथ कोलेबोरेट किया जाए उनको इन्वॉल्व किया जाए सो दैट यूल टू रन अवेयरनेस कैंपेन्स डोर टू डोर आउटरीच प्रोग्राम्स जो हैं वो कंडक्ट करे जाए बहुत सारे वॉलंटियर्स होते हैं लाइक like, आप उनके साथ मिलकर बहुत सारे ऐसे एनजीओ जो हैं वो लोग चला रहे हैं जिस लोग भलाई के लिए समाज की भलाई के लिए बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए राइट तो लेट्स बी अट ऑफ दैट at the community center with the help of a local body, local body की help से एक हेल्पलाइन जो है वो स्टार्ट किया जाए कि जिसको कोई प्रॉब्लम है वो वहां पर कनेक्ट करे वो जो वॉलंटियर है हेल्पलाइन पर वहां पर अवेलेबल हो ताकि वो बच्चों की उनके पेरेंट्स की जो एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनका उनको समाधान बता सकें उनको कुछ हेल्प कर पाए चाहे इनकम्प्लीशन ऑफ द होमवर्क प्रोजेक्ट्स बनाने में या जैसे भी है ये नहीं है कि कहीं प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिला तो वो बना बनाए किसी दुकान पर रेडीमेड बाहर लगी हुई है प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हियर और वो सबको पता होता है वहां बना बनाए जाके प्रोजेक्ट ले, ले आते हैं वॉट इज देयर लर्निंग हम देखिए अपना जो लोग ये काम करते हैं ठीक है वो अपने ब्रेड एंड बटर के लिए कर रहे हैं कोई और काम भी तो हो सकता है यू आर सेलिंग स्टेशनरी और साथ में आप प्रोजेक्ट बनाकर दे रहे हो काम कर रहे हैं वो तो लोग अपना काम कर रहे हैं पर आप खुद देखिए अपने बच्चों को जब रेडीमेड प्रोजेक्ट्स लाकर देते हैं आप उनकी क्रिटिकल थिंकिंग उनकी क्रिएटिविटी पर परमानेंट एक ताला लगा देते हैं चाबी जिसकी छुप जाती कभी खुलने के लिए उनको मौका नहीं मिलता है राइट right, तो प्लीज लेट अस नॉट डू लाइक दैट उनको मौका दें बच्चे अपनी क्रिएटिविटी सामने लेकर आए एक्सप्लोर करें करेंगे सीखेंगे राइट right? बच्चा गिरता है बार बार फिर भी चलना तो सीख लेता है ना राइट right, अगर हो जाए कि बच्चा गिर ना जाए ऐसा ना हो जाए बैसाखियां तो नहीं पकड़ा देते अपने बच्चों को कि पैर पे चोट ना लगे तो ऐसी बैसाखियां पकड़ाने वाला काम हम ना करें राइट दिस डिससेमिनेट इन्फोग्राफिक्स पोस्टर्स प्रेजेंटेश लर्निंग आउटकम्स फ्रॉम प्री स्कूल टू ग्रेड थ्री कम्युनिटी में भी क्या है डिस्प्ले हो उनकी लर्निंग आउटकम्स का उनकी प्रेजेंटेशन जो है उनके इन्फोग्राफिक के थ्रू पोस्टर्स के थ्रू उनकी जो लर्निंग आउटकम्स है उनको हाईलाइट किया जाए जैसे स्कूल में भी हम कहते हैं क्लासरूम में आपके पास जो लर्निंग आउटकम्स है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपके डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर द एस एम सी एंड द कम्युनिटीज विल इन्श्योर ऑल द स्कूल चिल्ड्रन देर गो उनके रेगुलर हेल्थ चेकअप होने चाहिए न्यूट्रिशन से रिलेटेड उनकी हेल्थ से रिलेटेड लाइक दे शुड हैव हेल्दी मील्स आल्सो बिकॉज स्कूल्स जो गवर्नमेंट स्कूल की जहां बात कर रहे हैं जहां मिड डे मील की फैसिलिटी है उनको मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है तो वो हेल्दी हो और हर बच्चे को मौका मिले ना लोकल बॉडीज की जो चेकलिस्ट है उसके बारे में बात करेंगे अभी तक हमने पेरेंट्स का रोल की बात की कम्युनिटी के रोल की बात की ना लोकल बॉडीज लोकल बॉडीज कौन सी है जिला परिषद है पंचायत समितिज है ग्राम पंचायत है ग्राम सभा है इन सबको भी जो है फंक्शनल लिटरेसी के प्रोग्राम और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज में इनग्रोस करना होगा इनको अपनी जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको निभाना होगा एंड दे नीड टू फैसिलिटेट

ये इन चीज को इंश्योर करेंगे एंड कनेक्टिंग वॉलंटियर पेरेंट्स जो जो वॉलंटियर पेरेंट्स हैं राइट वो स्कूल में प्रोवाइड की जाए क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन की हम बात तो करते हैं पर एनरोलमेंट ही नहीं है स्कूल्स में टीचर्स अवेलेबल नहीं है बहुत सारे आप YouTube पर चेक कर लीजिए आई ऑलवेज कीप ऑन की कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह पर इतने सारे बच्चे अलग अलग क्लासेस में पढ़ने वाले एक ही जगह पर बिठा रखे हैं एक क्लास में 60, 70 बच्चा है एक दो टीचर्स वहां पर प्रेजेंट है और चार पांच क्लासेस एक साथ बैठे कैसे वो बच्चे पढ़ेंगे एक टीचर है वो चार क्लासेस को पढ़ा रहा है एक सारे सब्जेक्ट भी वही पढ़ा रहा है और उन सब्जेक्ट का कभी अवेयरनेस भी नहीं हुआ उस टीचर में कोई कमांड ही नहीं है उस सब्जेक्ट के लिए बट स्टिल वो उसके लिए पढ़ा रहा है बिकॉज उसको ड्यूटी दी गई उसको सैलरी मिल रही उस चीज की काम कर रहा है, पता नहीं कैसा हम फ्यूचर जो है वो बच्चों के लिए अपना डिजाइन कर रहे हैं फंक्शन लिटरेसी के जो अचीव गोल है उसको अचीव कर पाए एंड फोर्टर लिंकेजेस विद द फ्रंट लाइन वर्कर्स एंड दुम ग्रुप एंड एस एच डी एस एच डी सेल्फ हेल्प ग्रुप लाइक थोड़ा अंडर प्रिवलेज कम्युनिटी जो सिर्फ अपनी लिए ही कुछ कर पाते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं कम्युनिटी मोबिलाईजर्स हैं उनके साथ लिंकेज करना राइट कि वो अपने बच्चों का भी एनरोलमेंट कराएं राइट अकॉर्डिंगली उन सबको जो है वो मोटिवेट किया जाए अपने बच्चों को वहां पर स्कूल में लाने के लिए क्रिएट लर्निंग साइट्स लर्निंग साइट्स बनाई जाए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको ट्रेन किया जाए विमेन फॉर्मर और फोरम्स और द कम्युनिटी एंगेजमेंट वो सब कुछ किसका रोल है जो हमारे ये जो लोकल बॉडीज हैं जिला परिषद पंचायत राइट right? उनको सबको ये काम करना है एंड अपॉइंट मास्टर ट्रेनर्स टू ट्रेन द कम्युनिटीज कम्युनिटीज में ट्रेन करने के लिए मास्टर ट्रेनर्स को अपॉइंट किया जाए फंक्शनल लिटरेसी और टीचिंग लर्निंग मटेरियल के डिससेमिनेशन में सब तक वो पहुंचे सब स्कूलों तक पहुंचे उसका जो है प्रॉपर अरेंजमेंट करना पेरेंट्स को एंगेज करना एंड आई एक्टिविटीज आईई एक्टिविटीज मीन इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन इससे रिलेटेड जो सारी की सारी एक्टिविटीज हैं उनको फैसिलिटेट करना पेरेंट्स को टीचर्स को एसएमसी को एनजीओ को एंड सी एस को एस एम सी यू नो स्कूल मैनेजमेंट कमिटी राइट

हुआ है या नहीं एंड होल्ड क्वार्टरली मीटिंग्स विद द स्टेक होल्डर्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो माय डियर एजुकेटर्स स्टे ट्यून्ड इफ यू यूट नो मोर अबाउट इन द अपकमिंग वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट पैरागॉजी फॉर फंक्शन लिटरेसी एंड मेमरेसी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयरिंग द मिटोर्स एंड है नाइस स्टेट